नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको पंप सेट का नोजल सेटिंग करके हम दिखाएंगे आपको। आप देख सकते हैं पंप सेट का नोजल है, इसे हम खोलें, दूसरा हम नया ओरिजिनल हम आपको फिटिंग करके दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ राम सागर मैकेनिक, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आप देख सकते हैं मैंने ओरिजिनल नोजल लाए हैं। इसको हम आपको सेट करके और इंजन स्टार्ट विद लोड टेस्टिंग के साथ सब कुछ दिखाएंगे। हल्का डीजल से हल्की पिन को मुलायम कर लीजिए ताकि ये पिन हल्का फिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं थोड़ा कैमरा हमारा थोड़ा सेंटर से अलग है। देख लीजिए कैसे आपको पीछे वाला स्क्रू जो होता है, वो जब नया नोजल सेट करें तो पीछे वाला स्क्रू पूरा आपको खोल लेना है पीछे की तरफ। उसके बाद में नोजल को कस टाइटली कर लीजिए। ये मैंने टाइट कर लिया है। अब आपको हम इंजन पे फिट करके दिखाते हैं कैसे क्या है। ये अपना काम कर रहा है। हम घुमा के हम आपको स्प्रे फिक्स करके दिखाते हैं। ये आपका ये 800 ml प्रति घंटे के हिसाब माइलेज लेगा अगर आपका ऐसा ठीक अच्छा काम कर रहा है तो। आप देख सकते हैं फोकस किया उसने। आपको बाहर इसका फोकस फिक्स कर लेना है। तीनों सुराखों का फोकस एक फिक्स होना चाहिए। अगर इस समस्या के लिए कोई समस्या आ रही है आपको सेटिंग करने में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखें, मैं समाधान देने का प्रयास करूँगा। हमारा नोजल फिक्स हो, देख सकते हैं आप, हमारा नोजल फिक्स हो चुका है। अब इसे आप खोल के खोल लीजिए। इसमें इसको अब हम इंजन में फिट करेंगे। तो हम इसे फिट कर लेते हैं। आपको फिट करना है, ये फिट करके आप अभी स्टार्ट करेंगे। ये जो दोनों बोल्ट हैं, ये आपके दोनों बोल्ट फिक्स होने चाहिए। कोई इसमें बोल्ट आपका फ्री या कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर नया नोजल है, अगर इसमें कोई बोल्ट आपका मिसिंग है, तो इसमें यहाँ पे नोजल आपका काम नहीं करेगा। किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप इन पहले बोल्ट को फिक्स करवाइए। अगर बोल्ट में अगर ये दोनों स्टेड होते हैं, इसमें अगर कोई आपकी दिक्कत है तो इसमें समस्या आ सकती है डीजल माइलेज या डीजल उतारने की। अगर कभी भी कोई समस्या है तो पहले इन बोल्ट को चेक कीजिए कोई मिसिंग तो नहीं है। अगर मिसिंग है तो उसे बनवाने के बाद ही आप सेट करें। इसे फिट कर लीजिए। अब हम आपको स्टार्ट करके दिखलाते हैं, फिर देखते हैं इसको लोड कैपेसिटी क्या है इसकी। ये हमारा इंजन स्टार्ट हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सेटिंग करेंगे, क्योंकि नोजल चाहे जितना सेटिंग हो आपको घर पे ही स्टार्ट का होने के बाद ही हो पाएगा आपका इंजन, क्योंकि बाहर का अलग फोकस होता है, अंदर पंप ठोकर के हिसाब से अलग उसकी सेटिंग होती है। तो आप वीडियो के हिसाब से ही अपना सेटलमेंट करें, बाहर भी चेक कर लीजिए, उसके बाद में इंजन चलाने के बाद नोजल स्क्रू से आप इंजन चलाने के बाद भी सेट कर सकते हैं। क्योंकि बाहर से आप सेट करके ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कैसे हमारा इंजन चलेगा। इतना आपको सेट करना है कि धुआं लोड कैपेसिटी माइलेज सारा कुछ अच्छा चले, उतना ही आपको सेट करना है। तो हम लोड लेके भी दिखाएंगे।
मैंने लोड रखा, देखिए आप कितना फिटिंग इंजन है। थोड़ा आवाज़ में दिक्कत हमारे हो सकती है, तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।